नमस्कार दोस्तों, आज रीजनिंग की क्लास आपकी यूपीएसआई और एएसआई की पहली क्लास है, जिसके अंतर्गत हम लोग आज जो चैप्टर पढ़ेंगे वो रीजनिंग का क्लॉक से शुरू करेंगे। यहाँ से आपका जो क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में, चाहे एसआई जो है आपका है यूपीएसआई, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन देखोगे रीजनिंग के पोर्शन का तो सबसे ज़्यादा होता है। मैथ्स में भी कहीं ना कहीं रीजनिंग है, आपके 25 क्वेश्चन मैथ के बाद 25 क्वेश्चन उसमें रीजनिंग ही है। उसमें हो सकता है आपका डीआई पोर्शन आए, और डीआई जो है आपका डिपेंड करता है, तो वो मैथ का पोर्शन वो मेनली लिया जाता है। अगर यूपी ट्रिपल एससी की बात करें, चाहे एसएससी की बात करें, जो आपका टीसीएस कराता है वो क्या करता है, डीआई को मेनली इसमें यूपी ट्रिपल एससी हुआ, चाहे यूपीएसआई हुआ आपका, चाहे यूपीपी का एग्जाम हुआ, उसमें डीआई जो है रीजनिंग सेक्शन में पूछता है। ठीक, तो आपका रीजनिंग का जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है इस पेपर में। ठीक, आपका 50 क्वेश्चन तो अलग से है ही है, जिसमें आपका आईक्यू है, मानसिक अभिरुचि वाला पोर्शन है जो 15 क्वेश्चन आपका आता है। ठीक, वो थोड़ा रीजनिंग से हटके है, उसमें पुलिस वाले जो है कायदे कानून आपको लेने होते हैं, उसको रीजनिंग में रख दिया इसलिए क्योंकि उसमें थोड़ा सा कुछ पोर्शन डिसीजन मेकिंग का होता है। ठीक, इसलिए उसे डिसीजन मेकिंग की वजह से उस चैप्टर को आपका इसमें रीजनिंग में इंक्लूड कर दिया। ठीक, तो देखा जाए ओवरऑल तो 50+25 75 क्वेश्चन के अप्रॉक्स जो है आपके रीजनिंग के बनते हैं, उसके हिसाब से जो उसने सिलेबस आपका दिया था, जो एग्जाम हुआ था इससे जो पिछला वाला आपका हुआ था। ठीक, तो हमें अगर रीजनिंग पे अच्छे तरह से फोकस हो जाए तो हमारा ये एग्जाम अपने आप ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका देखा जाए तो नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन भी कम है। क्यों? क्योंकि ऐसे आपका ओ लेवल मांग दिया है, और ओ लेवल के समकक्ष कुछ डिग्रियां मांगा है जो 1 साल का डिप्लोमा के अप्रॉक्स हो, उन्हीं को वैलिड किया है। बाकी ऐसा नहीं कि ट्रिपल सी वालों को वैलिड कर दिया, जो भी 5-6 महीने का जो डिप्लोमा किया उसे भी वैलिड कर दिया, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ेगा लेकिन पोस्ट भी तो ज़्यादा है पिछली बार से, इसलिए अगर इस सेक्शन पर अच्छे से मेहनत कर लिए तो आपका रिटर्न पक्का है, एकदम सिलेक्शन पक्का है। ये हुआ और आपका कंप्यूटर हुआ। ठीक है, 25 क्वेश्चन वो, ये और आपका हिंदी, इसमें इतना मेहनत कर लिए ना तो ये तो एकदम सियोरिटी के साथ, क्योंकि इसमें आपको जितना पूछा जाएगा उतना मार्क्स क्या हो जाएंगे आपके, बन जाएंगे, गलत होने के चांसेस नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपका बैच आज से प्रारंभ हो रहा है, और इसमें रीजनिंग का हम लोग क्लॉक जो है सेशन स्टार्ट करेंगे। अगर आप इन सभी जो भी हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, ये भी जो कोर्स आपका चलाया जा रहा है 10+ कोर्स के अंतर्गत चलाया जा रहा है। ठीक है, अगर इस कोर्स के आप जो है पीडीएफ लेना चाहते हो, प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हो, जो भी चल रहा है इसमें आपके वीडियो उसके नोट्स लेना चाहते हो, तो 499 का पीडीएफ सब्सक्रिप्शन प्लान है, जिसके तहत आपको क्या किया जाएगा कि जो भी यहाँ पढ़ाया जाता है प्लस उसके प्रैक्टिस सेट आपको पीडीएफ के फॉर्म में उपलब्ध कराया जाता है, ताकि आप घर बैठ के उस पर प्रैक्टिस करते रहो। ठीक, तो वो लेने के लिए आप परीक्षा प्लस ऐप से सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पर जाओगे तो वहाँ लगा हुआ है आपका यूपीएसआई और एएसआई पीडीएफ सब्सक्रिप्शन प्लान। ठीक, तो वहां से आप ले सकते हो। चलिए देर ना करते हुए हम चैप्टर को शुरू करते हैं, कि आज चैप्टर से आपका कितना इंपॉर्टेंट है क्लॉक। ठीक है, अब इसे देखें, UP SSSC में अगर हम बात करें तो ये आपसे UP SSSC जिसे TCS ही कराती है, सेम एजेंसी सेम है आपकी, जो एग्जाम कराने वाली है, चाहे UPSI की चाहे UP SSSC की, तो एजेंसी जब सेम है तो अपने क्वेश्चन बैंक से वही क्वेश्चन तो उठा के हर जगह रखेगी। ठीक, तो ये जान लो, यहाँ जो होता है रीजनिंग का पोर्शन, जहाँ कम क्वेश्चन आता है तो 2 से 1-2 क्वेश्चन आता है, वो भी किस पोर्शन में आता है, वो मैथ पोर्शन में आपका आता है। ठीक, अगर हम बात करें पुलिस विभाग में, UPSI की बात करें, UPP की बात करें, चाहे कुछ आपका जो भी हो पुलिस से रिलेटेड जितने आते हैं, इसमें आपका रीजनिंग का पोर्शन मैथ और किस में होता है, अलग से सेक्शन होता है ये रीजनिंग, तो उसमें मिला जुला के अगर 75 क्वेश्चन की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन अप्रोक्स होने के चांसेस होते हैं। ठीक, ये 4 तो मैक्सिमम हो गया, ऐसा मैक्सिमम चांस होगा कि इसके क्वेश्चन आए, मगर 3 तो ये मान के चलो कि 2 से 3 ये क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे मिनिमम के। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन बनते कैसे हैं क्लॉक से, घड़ी से, वो देख लो कि आपके एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, चाहे वो TCS जो भी एग्जाम कराती हो, जैसे TCS लेटेस्ट एग्जाम क्या क्या कराती है उन सभी को देखते हुए कहा जा सकता है कि SSC आपकी कराती है, SSC के जितने पोर्शन होते हैं CGL CPO ठीक है GD, वो सब अब TCS कराने लगी है। ठीक,
उसके बाद UP SSSC, आप यूपी के जितने डिफरेंट एग्जाम हैं ये सब TCS कराती है, उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड के जितने आपके डिफरेंट एग्जाम हैं वो सब कौन कराता है, आपका सब TCS कराती है। ठीक, तो ये अपने क्वेश्चन यहाँ से वहाँ रिपीट करती है, मतलब जो क्वेश्चन पता चले SSC में पूछा उसने तो हो सकता है आपके UPP में कहीं डाल दिया। तो ये इसीलिए ये जो क्वेश्चन आपका जो यहाँ से फॉर्म होता है वो जो मेनली अभी तक देखा गया है इतिहास में कि इसमें SSC में कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, UP SSSC में कैसे क्वेश्चन पूछा गया, तो उसके बेसिस पे आपके जो जो टाइप बनता है, पहला टाइप ये क्वेश्चन का बनता है कि इमेज टाइप का क्वेश्चन, मतलब कि आपका यहाँ से मिरर या आपका वाटर इमेज पूछ ले, किसका, टाइम का। ठीक है, इमेज का क्वेश्चन पूछेगा मिरर या वाटर इमेज से रिलेटेड, घड़ी में जो समय दिया रहेगा तो पूछेगा किसका, वाटर इमेज क्या होगा, इसका दर्पण जो है क्या इमेज होगा, तो उससे एक क्वेश्चन आपका टाइप बनेगा। दूसरा आपका बनता है इसमें एंगल डिटरमिनेशन। ठीक है, आपको क्या निकालना होता है, एंगल निकालना होता है, आपको कोण निकालना होता है, किनके किनके बीच का, मिनट और घंटे के सुई के बीच का, कोई एक पर्टिकुलर टाइम दे देगा, जैसे बोल दिया 7:20 हो रहा है, आप दोनों सुइयों के बीच का जो दूरी निकालो, ये भी बोल सकता है, या मिनिमम का जो है आपका कोण निकालो, न्यूनतम कोण निकालो, तो वो किस में आ जाएगा, एंगल डिटरमिनेशन में आ जाएगा। ठीक, तीसरा आपका जो टाइप बनता है वो बनता है टाइम डिटरमिनेशन। ठीक है, आपको टाइम निकालना होता है, समय निकालना होता है, आपको जो है क्या दिया जाएगा, एंगल दे दिया जाएगा, थीटा दे दिया जाएगा, कोण दे दिया जाएगा आपसे कि उनके बीच का, मतलब बोला जाएगा कि आपके घंटे और मिनट के सुई के बीच जो है दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हैं, चाहे एक दूसरे के समकोण की स्थिति में है, ऐसा क्वेश्चन बोला जाएगा। तो समकोण मतलब वो कहीं ना कहीं आपको थीटा दे रहा है 90 डिग्री, जब बोले विपरीत हैं दोनों सुइयां तो 180 डिग्री। ठीक, तो उस केस में आपको क्या निकालना, समय निकालना कि कब ऐसी स्थिति आएगी कि दोनों सुइयां एक दूसरे के समकोण पे होंगी, और वो इंटरवल दिया रहेगा कि आपको बताना है कि 3 से 4 के बीच में आप वो समय बताओ जब दोनों सुइयां समकोण की स्थिति में होंगी, मतलब 90 डिग्री दोनों के बीच में क्या होगा, गैप होगा, दूरी होगा। ठीक, तो वो कहलाएगा आपका टाइम डिटरमिनेशन। ठीक, चौथा आपका टाइप बनता है वो है एरर, जब घड़ी में एरर आ जाती है कहीं ना कहीं उसमें, जिसे आप कह सकते हो घड़ी आपकी स्लो हो जाए या फास्ट हो जाए। ठीक है, कहते हो ना कि घड़ी ये 5 मिनट लग रहा है फास्ट चल रही है, कहा तुम्हारी घड़ी, ऐसा होता है ना कभी कभी, तो वो जब ऐसा कुछ कंडीशन आ जाता है तो आपका इस टाइप से भी क्वेश्चन बोला जाता है कि आपका 1 घंटे में घड़ी जो 5 मिनट स्लो चलती है तो बताइए फिर से सही समय कब बताएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम फोर्थ टाइप बोलते हैं। यहां से आपके जो क्वेश्चन उठते हैं, जो आपका फोर्थ टाइप है, बहुत कम देखने को मिले हैं कि ये एग्जाम में आया हो। ठीक है, ये आपके मैं प्रैक्टिस के तौर पे आपको करा दूंगा, इसके कॉन्सेप्ट बता दूंगा, बाकी आपको प्रैक्टिस करना होगा कि इससे जो है अभी तक एग्जाम में ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन पूछा नहीं है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं एग्जाम में, सबसे ज्यादा अभी तक जो देखा गया पूछा गया यहाँ से इस चैप्टर से क्वेश्चन, वो बच्चों ये है एंगल डिटर्मिनेशन, जो सेकेंड टाइप है एंगल डिटर्मिनेशन। लेकिन हमें तो पढ़ना सब है, तो हम एक एक करके सभी टाइप को पढ़ेंगे। इस पे आपको मैं प्रैक्टिस सेट दे दूंगा, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा इस पे। ठीक, यही इतने कॉन्सेप्ट है, इतने पढ़ लें तो हमारा क्लॉक पूरा खत्म हो जाएगा और आपके जो भी क्वेश्चन 2 से 3 बनते हैं वो पूर्ण रूप से इसमें 100% मार्क्स आप ले आओगे बिना किसी गलती के। ठीक है, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पहले हम आज पढ़ेंगे, आज का सेशन जो हम स्टार्ट करेंगे वो क्लॉक में वो होगा आपका इमेज वाले पोर्शन से। पहला टाइप पढ़ेंगे इमेज हमें, ठीक, उसमें आपका वाटर इमेज और मिरर इमेज की हम बात करेंगे कि किसी भी समय का वाटर इमेज और मिरर इमेज। मैं घड़ी बनाता हूँ, उसके बाद से आपको कुछ उसके कॉन्सेप्ट बताता हूँ, कुछ उसके बाद से उस पर ट्रिक बताऊंगा कि आप ट्रिक से कैसे बहुत सेकेंडों में इसके आंसर निकाल सकते हो। ठीक, चलो एक बार से ये आपकी घड़ी हो गई, ये 12 है, 3 है, ये 6 है, ये 9 है। ठीक, 1 2 3 4 5 7 8 9,
ठीक। और यहाँ पे आपने क्या रख दिया है, मिरर रख दिया है। ठीक है, मिरर बोला जाता है। तो वर्टिकल हम लेते हैं, इस आपके कौन सी एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है आपकी, ये वाई एक्सिस होती है, इसके अक्रॉस हम इमेज देखते हैं। ठीक, आपकी एक्स एक्सिस के अक्रॉस क्या देखते हैं, वाटर इमेज देखते हैं। ठीक है, तो अब ये जब इस साइड आपका बनेगा, इसे हम बनाएंगे, ठीक, यहाँ पे इसका जब इमेज बनाएंगे, यहाँ मैंने टाइम दे दिया, सपोज करो ये 9 है, तो मैं यहाँ पे बजा दे रहा हूँ इस घड़ी में, ये छोटी सुई हो गई और ये आपकी बड़ी सुई हो गई। ठीक, ये मिनट वाली हैंड हो गई, ये हावर वाली हैंड हो गई। तो इसमें अभी आपका रियल जो क्लॉक है, ठीक है, ये रियल क्लॉक है, इसमें आपका कितना टाइम हो रहा है, 9 o'clock हो रहा है। ठीक, 9 बज रहे हैं। अब मैं बोलूँ कि इसका मिरर इमेज क्या होगा, तो आप इधर कुछ घड़ी बना, ये देखिए यहाँ पे आपका 12 होगा, 1 2 3 4 5, ये 6, नंबरिंग पे मत जाइएगा, ये मैं बोल रहा हूँ कि समझ गया कि ये डॉट वाली घड़ी है आपके पास। ठीक है, क्योंकि जैसे इसका मिरर लोगे तो नंबर भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा आपका। ठीक, नंबर भी उल्टा हो जाएगा। तो अभी जो है ये समझो कि ये जो मैंने नंबरिंग किया है, इसे डॉट समझो आप, कि डॉट वाली घड़ी है। और यहाँ पे जब ऐसा होगा केस, तो अगर 9 यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे आपकी जो आप आवर हैंड है वो किधर चली जाएगी, अभी इस साइड किधर है, ये आपका कौन सा हैंड है, ये आपका लेफ्ट हैंड है। तो अभी ये लेफ्ट हैंड साइड में है, जैसे ही हम मिरर इमेज देखेंगे इसका, तो आवर हैंड हमारा किधर हो जाएगी, राइट साइड में हो जाएगी, हमारे राइट साइड में हो जाएगी। और अप और डाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता, मिरर इमेज में आप जब कोई भी चीज अप है तो वो अप ही रहेगा मिरर में भी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डाउन हो जाएगा, सिर्फ कन्वर्ट क्या होता है, आपका जो लेफ्ट होता है वो उसमें राइट हो जाता है। ठीक, मिरर में ये कन्वर्जन होता है, आपका लेफ्ट जो होता है वो राइट हो जाता है। तो अभी मिनट हैंड किधर है आपका, 12 पे है, तो मैंने ऐसे 12 पे कर दिया। तो आप देखो रियल टाइम क्या हो रहा है, 9 बज रहा है, और मिरर में हम देखें तो कितना बज रहा है, 3 बज रहा है। नंबरिंग पर जाना, मैंने फिर से बोल दिया कि आपका समझो ये डॉट वाला साइन है, डॉट वाली घड़ी है, और आपका कुछ ऐसा टाइम दिखा रहा है। तब बच्चों ये एक चीज यहां से ये निकल के आता है कि हमें जब भी अगर क्या निकालना हो, मिरर टाइम और वाटर मिरर टाइम निकालना हो किसी भी समय का, तो जो ये घड़ी देख रहे हैं हम, इस एक्सिस से क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं। ठीक है, इस एक्सिस से ये पलट जाती है। तो जैसे अगर हम कहें यहाँ पे 9 बज रहा है, तो पलट जाएगा, मतलब 9 क्या होगा, 3 होगा। जब भी आपके यहाँ 9 बजेगा तो वहां 3 बजेगा, आपका जब 10 होगा तो उधर क्या होगा, 2 बजेगा। ठीक, अगर इधर रियल टाइम में 11 बज रहा है, तो आपका जो है मिरर में क्या दिखाएगा, 11 है तो 1 दिखाएगा। वैसे ही अगर इधर 8 बज रहा है आपका, तो उधर क्या दिखाएगा, 4 दिखाएगा आपका जब मिरर में देखोगे। तो 7 है तो 7 क्या दिखाएगा, 5 दिखाएगा, और 6 है तो आपका 6 ही दिखाएगा, और 12 है तो आपका 12 ही दिखाएगा। ठीक, उसमें किसमें, आपके मिरर वाले में। तो इससे हमें ये देखने को मिल रहा है, इससे क्या ऑब्जर्व हम कर रहे हैं, ऑब्जर्व करो कुछ तो आपको पता चल जाएगा कि जो भी हमारे मिरर इमेज आ रही है रियल टाइम की, उसका जो सन देखें तो क्या आ रहा है बच्चों, 12 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं सबका, देखो 10 2 12 11 1 12 8 4 12 7 5 12 6 6 12 12, तो 12 है ही है क्योंकि 12 का पूरा ही 12 दिखेगा। ठीक, तो ये इनका जो सम 12 आ रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे जब भी हमें, क्योंकि अगर आपसे बोला जाए, कोई टाइम दे दिया जाए कि 8:20 हो रहा है, आप बताओ कि मेन टाइम इसमें क्या होगा, ठीक, इसका मिरर इमेज क्या होगा, तो क्या आप उसमें घड़ी में बनाओगे, देखोगे 8:20 का मतलब कि 4 पे होगा आपका क्या, मिनट वाली सुई, तो 4 पे मिनट वाली सुई होगी। तो अभी मैंने बताया ना कि 4 का क्या हो जाता है, चाहे 4 का 8 बोलो चाहे 8 का 4 बोलो, ऐसे होगा। अगर इस पे 4 पे कोई आपकी सुई है तो मिरर में किधर दिखेगी, 8 पे दिखेगी। तो 4 पे अगर 8 हो रहा है, इसका मतलब आपका मिरर, आपका मिनट तो पता चल गया ना क्या होगा, 8 पे है तो 8 5 40, मतलब 40 मिनट तो पक्का है कि होगा ही होगा। ठीक, बाकी आपका ये है कि आपकी घड़ी की सुई जैसे 8:40 हो रहा है, यहां मैं बना दे रहा हूं, देख लो ये 12, ये 3, ये 6, ये 9, ये 10, ये 11, 1 2 4 5 7 8, 8:40 हो रहा है,
ये 8:20 हो रहा है, मेन टाइम क्या 8:20, तो ये 4 पे रहेगी मिनट वाली सुई एग्जैक्ट एकदम, और आपका जो आवर हैंड होगा वो कहाँ होगा, कहीं ना कहीं 8 और 9 के बीच में लाई करेगा, ठीक है, 8 और 9 के बीच में लाई करेगा। तो अगर हम बोलें कि इसका मिरर इमेज क्या होगा, तो हम पहले जान जाएंगे कि अगर ये 4 पे है मिनट वाला, तो जैसे ये 4 पे है तो ये किधर हो जाएगा, 8 पे होगा, मैंने दिखाया यहाँ पे 8 का 4 हो जाता है, 4 का 8 हो जाता है, तो 40 मिनट तो आपका ये 100% सही है कि मिनट में 40 ही आएगा। उसके बाद से आपका जो ये कौन सा है आवर हैंड है वो किधर जाएगा कन्वर्ट होके, देखो इस साइड वाले क्या होते हैं, इस साइड जाते हैं ना, ठीक, तो अगर ये इधर है तो ये कन्वर्ट होके किधर जाएगा, आप 40 मिनट इसका क्या आएगा, मिरर इमेज आएगा, ठीक। तो हर बार क्या ऐसे निकालोगे, हर बार तो ऐसे निकाल नहीं सकते ना कि घड़ी बनाओगे उसमें टाइम दिखाओगे और उसके बाद से निकालोगे, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये आपका सॉरी ये 2 नहीं 3 होगा, ठीक है, 3:40, क्योंकि यहाँ के बीच में है तो ये आपका यहाँ से 3 और 4 के बीच में इसका इमेज बनेगा, कहाँ बनेगा 3 और 4 के बीच में, तो 3:40 यहाँ पे होगा, ठीक। तो इसके लिए मैं आपको एक बता रहा हूँ आसान सा तरीका, कि जब भी आपके सामने क्या आ जाए मिरर निकालना है, तो आप कुछ ना करो, मैंने बताया ना कि दोनों का सम क्या होता है 12, तो 12 से जो भी आपके पास टाइम दिया हो उसे घटा दो, 12 को हम ऐसे लिखते हैं, ये आपका आवर हो जाएगा, ये आपका मिनट हो जाएगा। तो आपको टाइम क्या दिया, 8:20, ठीक है, 8:20 का मिरर टाइम निकालना है, तो इसे घटा दो, ये 0 आ जाएगा। अब देखो यहां पे मिनट 0:00 है, अब 20 को घटाना है तो क्या करोगे, यहां से एक कैरी लोगे, ठीक, जब कैरी लोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 घंटा इसे उधार देगा, तो यहाँ 11 घंटा हो जाएगा, और यहाँ मिनट वाले की जगह क्या हो जाएगा, जब 1 घंटा जाएगा तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60, अब वहां से 8:20 को घटाओ तो यहाँ से क्या हो जाएगा 40, 8 के बाद 9, 10, 11, ठीक, तो 3:40 आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3:40 आपका आंसर आ जाएगा, 8 के बाद 9, 10, 11, आपका 3:40 इसका क्या हो जाएगा, मिरर टाइम आ जाएगा। और यहां से भी हमने देखा था कि जब हम यहाँ पे 8:20 दिखाएंगे तो 8 और 9 के बीच में हमारी घड़ी सुई रहेगी, जैसे ही हम इसे इसके अप्रोक्स पलटेंगे तो हमारा जो सुई हो जाएगा यहाँ पे चलाएगा, ठीक, किसके किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में, तो उस समय हम क्या कहेंगे 3:40 हो रहा है, ठीक। मगर हमें हर टाइम क्या इमेजिनेशन करना पड़ेगा कि कहाँ घड़ी की सुई होगी, उसमें हम दिमाग खपाएंगे, तब तक तो हमारा क्वेश्चन का पेपर जो है कई क्वेश्चन उसी में निकल जाएगा, कि हम घड़ी बनाएं उसमें टाइम दिखाएं उसके बाद से उसका मिरर इमेज निकालें, तो उससे बढ़िया है कुछ ना करो, आपसे अगर टाइम पूछ रहा है कि बताओ इसका मिरर टाइम क्या होगा, कोई भी टाइम हो, 8:50 हो, आज 8:40 हो, 7:10 हो, कुछ भी हो, आपको सिर्फ एक फंडा है उसे 12 से घटा दो, या आप कह सकते हो उसे 11:60 से माइनस कर दो, ठीक है। एक चीज ध्यान रखो, जब भी आपको मिरर इमेज निकालना है तो ये जितना मैंने बता दिया वो सब भूल जाओ, अरे 11:60 मत भूल जाना, ये सब जो मैंने बताया कि 9 का उधर जाएगा तो लेफ्ट आपका राइट हो जाता है, राइट आपका लेफ्ट हो जाता है, ये सब भूल जाओ, मुझे घड़ी नहीं बनाना है ये ध्यान रखो, सिर्फ ऐसे करना है कि जो भी टाइम दिया रहे उसे 11:60 से माइनस कर देना है, तो 11:60 से आपको माइनस करना है, तो बताओ अब आंसर बताओ कमेंट करके कि इसका आंसर क्या क्या होगा, जैसे 1:20, दूसरा है आपका 12:10, इसका वाटर मिरर टाइम क्या होगा, इसका ये बताओ मिरर टाइम क्या होगा, कमेंट करते रहो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं आपको कि 11:40 का भाई मिरर इमेज बताओ। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, कमेंट करते जाओ सभी आंसर फटाक फटाक एकदम, 10:10 का क्या होगा। उसके बाद से है आपका पांचवा क्वेश्चन है आपका कि 11:50 का आपका क्या होगा। छठवां क्वेश्चन है, सब आंसर कमेंट होना चाहिए सभी का, 22:10 का क्या होगा, ठीक है, और नेक्स्ट है आपका 16:40 का वाटर इमेज क्या हुआ, सभी का आंसर आ जाना चाहिए कमेंट पे।
चलो अब देखते हैं एक एक करके किसका किसका आंसर सही है, मैच करते जाना। बहुत आसान सा है, जैसे मैंने जो ट्रिक बताया उसी से आंसर निकाल लो। ठीक है, इसमें बोला 1:20 का आप बताओ कि क्या होगा मेरा टाइम। तो 1:20 बोला है, तो 1:20 को हमने अभी क्या बताया कि 11:60 से माइनस कर दें, तो 1:20 को 11:60 से माइनस करोगे तो क्या आएगा, यहां तो 40 आ जाएगा, 11 में से एक जाएगा तो 10 आएगा, तो क्या होएगा 10:40। तो इसका आंसर तो हो जाएगा 10:40 पहले वाले का। आया कि नहीं आप लोगों का? आया तो सही है, करेक्ट। अगला है 12:10, माइनस किससे करना है आपको, 11:60 से। अब तो ये जुलुम हो गया, कैसे कि यहां तो 12 आ गया ऊपर 11 आ गया, हम माइनस कैसे करें। ठीक है, माइनस तो हमें 11:60 से ही करना है। तो भैया हम क्या करेंगे, जो आपका ये 12 है ना, इसे 12:10 मतलब 0010, ये तो देखते होंगे घड़ी में, तो इसे 12:10 ही तो कहते हैं। तो जहां 12 दिखे वहां पे क्या कर लो, जब ना आपका सब्ट्रैक्ट हो 0 0 कर लो, यहाँ 10 कर लो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, या 0 6 में से एक जाएगा 5, और यहाँ पे 11, मतलब कि आपका टाइम जो आएगा वो क्या आएगा, 11:50 आएगा। क्या आएगा, 11:50। तो जिसका 11:50 आया हो वो करेक्ट हो। भाई जब 12 दिख रहा है तो इसे 0 कर सकते हो घड़ी में, 0 0, और यहाँ 10, तो आपका 60 में से 10 जाएगा तो 50 मिनट, और 11 आपका हुबहू आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 11:50 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला आपका क्या है, 11:40 है, तो 11:60 से 11:40 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ तो 0 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो कहोगे क्या सर 0 0 20 मिनट आएगा क्या इसका आंसर। ठीक, तो 0 0 20 मतलब क्या होगा, 0 0 मैंने बताया ना, 0 मतलब क्या आपका 12:20, यही तो होगा। डिजिटल क्लॉक में जब देखते हो तो 0 0 जब होता है तो क्या होता है, 12 होता है। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका आंसर, 12:20। मैच कराते रहना अपना सभी लोग आंसर। अगला है 10:10, तो क्या होगा, 10:10 मतलब 11:60 से 10:10 को माइनस कर दो, तो यहाँ तो आपका 40 होगा और यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा, कितना होगा, 1 होगा। ठीक, 11 में से 10 जाएगा तो 1 ही तो बचेगा, तो इसे हम कहेंगे 1:40 होगा इसका आंसर, होगा कि नहीं। हाँ तो बोलो हाँ। अगला है आपका 11:50, ठीक है, 11:60 से माइनस कर दो, एकदम आसान आसान सा हलवा सवाल है, 6 में से 5 जाए 1, यहाँ 0 0, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर से 12, तो ये 12:10। आया कि नहीं आया ये आंसर, आया ना, तो हाँ बस समझ में आ गया अब लग रहा है तुम लोगों को। चलो अब है अगला 22:10। अब कहोगे सर इसे कैसे घटाएं 11:60 से, ये तो सर आपने खाली ये बताया था कि जब, क्योंकि हम देखे हैं टाइम तो हमारा सब क्या हो रहा है, 10:50, 1:10, 2:10, 8:10, यही हो रहा है, मगर सर आपने तो 22:10 दे दिया, इसे कैसे घटाए। अरे कुछ नहीं, 22:10 तो घड़ी में बसता नहीं है, जो तुम्हारे पास घड़ी होती है दीवार पे लगी होती है उसमें क्या, 1 से लेके 12 तक तो गिनती होता है कि 22 तक गिनती होता है, नहीं होता है ना। तो इसको क्या करो, 12 घंटे वाले फॉर्मेट में चेंज करो। 12 घंटे का फॉर्मेट क्या है आपके पास, 22 मतलब क्या होता है, 12:10:22, तभी ना 12 के बाद 10 जोड़ोगे तभी 22 आएगा। तो 22 का मतलब 10:10 दिया है आपको टाइम, तो 10:10 का क्या निकालना है, मेरा टाइम निकालना है, तो बस वही कर दो, 10:10, तो यहाँ क्या हो जाएगा 50, और यहाँ 1, तो 1:00 क्या कहोगे, 50 मिनट। ठीक, 1:50 ये इसका आंसर होगा। तो आपका आएगा क्या, 1:50। तो चाहे कुछ भी दिया हो 24 आवर के टाइम में, अगर आपका दिया है टाइम, तो उसे आप 12 घंटे वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद से फिर से 11:60 से माइनस कर दो, तो भाई फिर 16:40 है। ये भी किस फॉर्मेट में है आपका टाइम, 24 आवर के फॉर्मेट में है, तो अब इसे किस में कर लो कन्वर्ट, 12 घंटे के फॉर्मेट में कर लो। 12 घंटे करोगे तो 16 मतलब 12 4 16, तो 4:40 ये टाइम दिया है, तो 11:60 से 4:40 को माइनस कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, मेरा टाइम आ जाएगा। 4:40 माइनस कर दोगे तो यहाँ होगा 20, यहाँ कितना हो जाएगा, 7 4 11। ठीक है, तो 7:20 आपका किसका आ जाएगा टाइम, 16:40 वाले का आ जाएगा। ठीक, ये लो, अगर ऑप्शन 7:20 नहीं मिला तब क्या करोगे,
तुमने तो लिखा 7:20 आया, ऑप्शन वहां सब 24 आवर में दिया है, तो ये ना ढूंढने लगना कि सर क्वेश्चन गलत है, ठीक कि उसमें क्वेश्चन ऐसा नहीं, 7:20 तो कहीं आया ही नहीं था, सर ने तो बताया था ऐसे कि इसको 24 वाले को 12 में कन्वर्ट कर लो और के उसके बाद 11:60 से माइनस कर दो, और ऑप्शन में नहीं दिखा तो फिर गाली मुझे देने लगना। ऐसा नहीं है, अगर 7:20 नहीं दिखा तो इसे फिर से तुम कहाँ करो कन्वर्ट, जब सब ऑप्शन 24 फॉर्मेट में है तो 24 वाले फॉर्मेट में कर लो, ठीक। तो 12:07:19, ठीक 19 बजकर आपका कितना मिनट, 20 मिनट, बस। तो ये तो ऑप्शन में होगा ही होगा, ठीक, तो इसे मार देना करेक्ट। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, जो भी आपका जिस टाइम फॉर्मेट में आपका ऑप्शन दिया हो वो करेक्ट करके आ जाना। आगे बढ़ जाते हैं, ये आपका मिरर वाला कॉन्सेप्ट हो गया पूरा का पूरा, कि आपसे अगर किसी भी टाइम का मिरर इमेज पूछे तो सिर्फ एक चीज याद रखो, क्या 11:60 से माइनस कर देना है उस टाइम को, क्या करना है 11:60 से माइनस कर देना है, ठीक। अगला हम बढ़ जाते हैं, हमारा जो दूसरा कॉन्सेप्ट है उसी में, वो है आपका वाटर इमेज। क्या है वाटर इमेज, चलो देख लेते हैं वाटर इमेज के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद से हम इसके शॉर्ट ट्रिक पे भी आ जाएंगे। घड़ी बना लो 7:07:12:13:14:15:16:17:18, ये आपका 9, ये 10, ये 11। अब इसमें कुछ अच्छे अच्छे चीजें मिलेंगी सीखने को, ठीक है। अब यहां हम बना देते हैं एक्स एक्सिस, मैंने बोला जब भी वाटर लेना होगा तो हम एक्स एक्सिस के अक्रॉस लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे फिर से घड़ी बना लो, लो अब क्या होगा, जब इसके अक्रॉस लेंगे तो हम ये पलट देंगे घड़ी पानी में जैसे ऐसे, तो ये जो 6 है आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 12 यहाँ हो जाएगा। लेकिन इसमें केस में क्या होता है, जब वाटर इमेज लेते हो आप, तो आपका अप और डाउन, अप जो होगा वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, और जो डाउन होगा उसे बोल सकते हो अप हो जाएगा। लेफ्ट और राइट में आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेफ्ट और जो राइट होगा आपका वो वाटर इमेज में नहीं पलटेगा, नहीं उसमें कोई परिवर्तन होगा। जैसे 9 की अगर घड़ी में हम बताएं कि यहाँ 9 बज रहा है, देखो छोटी सुई आपकी 9 पे है, आवर वाली और मिनट वाली आपकी 12 पे है, अगर इसे हमें वाटर इमेज इसका निकालना होगा तो ये 6, ये 9, ये 3, तो देखो ये वाला साइड आपके किस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट और राइट आपका कोई कन्वर्ट नहीं होगा कि लेफ्ट राइट में हो जाएगा, तो आपका अभी भी जो छोट सुई होगी छोटी वाली वो लेफ्ट पे ही होगी और 9 पे ही होगी, ठीक। सिर्फ अप और डाउन में कन्वर्जन होगा, तो जो आपका अप दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, डाउन में आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक। तो जो 9 बज रहा था वो क्या हो जाएगा, 9:30 हो जाएगा, ठीक 9:30 हो जाएगा, ठीक। अब देख लेते हैं इसे, ये ऐसा हो गया नंबरिंग, तो अब इसको नंबरिंग कर देते हैं, 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब नंबर क्या हो जाएंगे, एंटी क्लॉक, जैसे यहां पे देखो 3 4 5 6 7, ये क्लॉकवाइज है ना, इस वाले में वाटर वाले में ये सब नंबर नंबरिंग जो होगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज में हो जाएंगी, पलट जाती हैं, इसीलिए बोला कि नंबरिंग पर मत ध्यान देना, आप क्या ध्यान दो कि आपका जो है कि डॉट वाली जो घड़ी जो है आपकी वो क्या है, डॉट वाली है घड़ी है, ठीक है, जिसमें नंबरिंग नहीं है। अब ये आपका हो गया, इसमें देखो ये 9 है और ये वाली सुई इस पे आई है 12 पे, तो इस 12 पे ना ध्यान दो, ये सिर्फ मैंने नंबर को पलटा है, यहाँ पे नंबर को क्या किया, ऐसे पलट दिया, लेकिन जब इसे एक रियल घड़ी की तरह सोचोगे आपके सामने होगा ये वाला पोजीशन, तो अब इसे क्या मानोगे, ये तो यही मानोगे ना कि इस घड़ी में हमेशा नीचे क्या होता है, 6 ही तो होता है और ऊपर क्या होता है, 12 होता है, ठीक। सपोज करो ये सब डॉट है और तुम्हें ऐसा फिगर दिख रहा है डॉट पे वाले घड़ी में, तो क्या कहोगे, 9:30 ही तो कहोगे, ठीक। तो वही टाइम हमें बताना होता है, हमें ये नहीं देखना होता कि ये तो 12 पे है, ये 9 पे है तो 9 बजेगा, ऐसा नहीं, तुम्हें ये फील करना है कि ये घड़ी डॉटेड वाली है और उसके बाद से ऐसा कुछ इमेज बन रहा है, तो इस इमेज को, इस टाइम को हम क्या कहेंगे, इस टाइम को हम कहेंगे 9:30 हो रहा है, ठीक। अब क्या हम हर एक एक में ऐसे ही करते रहेंगे क्या, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा कि इसमें होता क्या है बेसिकली, इसका जो कॉन्सेप्ट है वाटर का, कि आपको जो 9 या 3 जो भी सुई इसी को बेस मानते हैं, 9 और 3 को,
जो भी आपकी सुई, अगर जैसे सपोज करें हम यहाँ पे कि 4:20 हो रहा है, ठीक है, यह आपका हो गया 12, ये 6, 3, ये 9, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ठीक है। कितना मैंने बताया कि आपका यहाँ टाइम जो हो रहा है 4:10, मान लो 4:10 ये हो रहा है, ठीक है। अब 4:10 हो रहा है, अब इसका वाटर निकालना है हमें, तो वाटर निकालने के लिए 4:10 वाले में हम क्या करेंगे, यहाँ जानते हो 6 होगा, यहाँ पे आपका 12 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ पे 9 होता है, ठीक, ये 4, ये 5, 7, 8, 10, 11, 1, 2। तो जैसे इसमें बोल रहा ना कि 4:10 हो रहा था, जो जैसी जहां पे सुई है, 4:10 मतलब 4 से थोड़ा सा आगे घंटे की सुई होगी, 4 से थोड़ा सा आगे घंटे की सुई होगी, ये देखो मैं बना दिया घंटे की सुई 4 से थोड़ा सा आगे, उसके बाद से 10 बज रहा है, 10 मिनट हो रहा है इसमें, तो इसका मतलब एग्जैक्ट मिनट वाली सुई किस पे होगी, 2 पे होगी, तो बड़ी वाली सुई आपकी किस पे होगी, 2 पे होगी, ये लो बना दिया। तो अभी जब इसको देखोगे, अगर रियल घड़ी ये डॉटेड अगर होगा, नंबरिंग इसमें नहीं लिखा रहेगा, तो ये तो इसे आप 12 मानोगे, एज्यूम करोगे, और यहाँ पे जो है आपका 3 नहीं चेंज होता है, इसीलिए हम यहाँ पे जो देखते हैं कि 3 और 9 के क्रॉक्स ही देते हैं कि ये घड़ी 3 के कितने आगे है या पीछे है, जैसे ये वाला इसके अप्रोक्स, अभी उसमें हम क्या देख रहे थे, यहाँ से हमने घड़ी को पलट दिया था, और इस वाले केस में हम क्या करते हैं, यहाँ 9 और 3 के बाद घड़ी को हम ऐसे पलट देते हैं, इसका मतलब कि जो आपका 2 होगा, जब 2 बजेगा, अगर यहाँ 2 बज रहा है तो आपके वाटर में 4 दिखेगा, ठीक है, आपका अगर 1 है तो 5 दिखेगा, ऐसा होगा। तो मतलब जितना 3 से वो आगे रहेगा, जितना गैप, उतना है वो पीछे हो जाएगा। तो अगर हम मिनट वाली सुई को देखें तो 3 से 1 गैप क्या है, आगे की तरफ है, तो आपके वाटर में क्या होगा, वो 1 गैप पीछे हो जाएगा। तो 3 से 1 गैप पीछे मतलब किस पे आ गए, यहाँ पे देखो। तो अगर हम इसे एग्जैक्ट एक घड़ी माने तो 3 के बाद ये 4 आएगा, क्लॉकवाइज में 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7 होगा, ये 8 होगा, ये 9 होगा, ये 10 होगा, ये 11 होगा, ये 12, ये 1 और ये 2, ठीक। तो हम कह देंगे कि आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 पे अगर सुई है मिनट वाली, तो मिनट कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। उसके बाद से आपका जो घंटे की सुई है, यहाँ देखें तो 3 से 1 पूरा गैप, उसके बाद भी थोड़ा सा गैप क्या है, पीछे है, ठीक, इसके 4 से थोड़ा सा आगे है ना, इसका मतलब 1 गैप से भी ज्यादा थोड़ा सा है पीछे की तरफ, तो हम उतना ही क्या करेंगे, 3 से आगे कर देंगे। तो हम 3 से जब उतना आगे कर देंगे, सपोज करो, तो 1 गैप यहाँ है आपका, ठीक, यहाँ पे है, और उससे थोड़ा सा हम आगे करेंगे तो यहाँ पे उसकी पोजीशन कुछ आएगी, ठीक। तो इसीलिए इसमें क्या होता है कि आपको जब ऐसे यहाँ पे इसकी थोड़ी सी पोजीशन आएगी, इस तरह से देखें, तो यहाँ पे जो आपका जो दिखेगा कि अब 4 और उसके 5 के बीच में यहाँ पे सुई दिखेगी, तो यहाँ पे मेन अगर क्लॉक में देखोगे तो ये 1 और 2 के बीच में दिखेगा सुई, 1 और 2 के बीच में दिखेगा, इसका मतलब 1 बजकर हम बोल सकते हैं क्या हो रहा है, 20 मिनट हो रहा है, ठीक, 1 बजकर क्या, 20 मिनट हो रहा है। अगर ऐसे ही अगर यहाँ पे डायरेक्ट एग्जैक्ट हम बोलते हैं कि 3, जैसे यहाँ पे क्या था आपका, ये इस जो घंटे वाली सुई थी 3 और 4 के बीच में, 4 से पहले थी, तो ये क्या हो जाएगी, इसके आगे हो जाएगी, जैसे यहाँ मैंने बताया कि 4 से जस्ट इसके आगे बताया, जो मैंने यहाँ पे देखा कि 4 से इधर थोड़ा सा आगे है, तो मैंने भी यहाँ 4 से आगे कर दिया। तो ऐसा नहीं करना, आपको ये गैप देखना है कि 3 से जो 4 वाला गैप है वो कितना है, जैसे यहाँ पे गैप है 1 पूरा गैप और कुछ और, उतना ही ये पीछे है तो उतना ही आगे हो जाएगा, मतलब यहाँ से 1 गैप प्लस और आगे थोड़ा सा, तो यहाँ घंटे की सुई आ जाएगी, तो घंटे की सुई 1 और 2 के बीच में आएगी, ठीक। कई बार क्या होता है, आपका जो वाटर इमेज बनता है वो बहुत परफेक्ट नहीं बनता है, ठीक, हम परफेक्ट इसे नहीं बता सकते कि परफेक्ट क्या होगा इसका, ठीक, इसमें जो आपका इमेज जो बनता है वो परफेक्ट के साथ नहीं बनता है, जिसके कारण आपके ऑप्शन में कई बार गलती हो जाती है हमसे, इसीलिए वहां डिपेंड करेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए कि हमारे पास ऑप्शन क्या दिया हुआ है एग्जामिनर ने, ठीक। तो देखो जैसे इसमें एक चीज ध्यान रखना कि आपका 1:20 तो आया यहां से, हाँ
हमने निकाल लिया कि 1:20 होगा, ठीक। अगर 1:20 इसका आंसर है उस पे तब तो मार दो, नहीं है तब क्या आंसर होगा इसका? अगर 1:20 आंसर नहीं है, आपका क्या आया था क्वेश्चन में? मैंने क्या बताया था, इसका क्वेश्चन क्या था आपके सामने, ये आपका था 4:10 था ना, 4:10 था, ठीक। तो 4:10 था आपका, तो इसका जो मेन वाटर में जाएगा, अगर ये नहीं है तो आप क्या मारोगे? अब ये मारोगे कि या तो फिर अगला वाला जो मैंने बताया था कि इसके और इसके बीच में हो, तो क्या होगा 2:20, ये कह सकते हैं। तो इनमें से कोई हो, 1:20 या 2:20, ठीक, दोनों प्रेजेंट होगा तब तो समझ लो कुछ गड़बड़ है, ठीक है। 2:20 नहीं मारना है, 1:20 मारना है। अगर इनमें से कोई एक प्रेजेंट है, अगर 1:20 है तो 1:20 होगा, 2:20 है तो 2:20 होगा, ठीक। अब एक बार देख लेते हैं, इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि जब भी आपका ऐसा है तो क्या हम ये सब घड़ी बना के एक एक पॉइंट देखेंगे क्या, आगे कितना हो रहा है, पीछे कितना हो रहा है, कितना हम बढ़ाएं? नहीं, उसके लिए एक चीज याद रखो, जैसे उसमें याद रखे तो 1160 से माइनस करना है, तो यहां याद रखो 1830 से माइनस करना है, किससे? 1830 से माइनस करना है। तो आपका जो टाइम था, जैसे 1830 अगर हम इसे माइनस कर दें 4:10 को, तो क्या होगा, यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा 2, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 8 में से 4 जाएगा तो 4, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 14:20, क्या हो जाएगा, 14:20, ठीक है। क्या आएगा, 14:20 को अगर आप 12 आवर में करोगे तो 2:20 आएगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया ना, 2:20 और 1:20 ये कैसे आया, 2:20 और 1:20 का दिक्कत क्या हुआ हमारे सामने, कि अगर हम ऐसे देखें तो कितना इससे आगे और कितना पीछे है, तो उस केस में हम देखेंगे कि देखो, अगर यहाँ पे अगर हम सुई मान लें तो ये 1:20 है, ठीक है। अगर इसके इसके बीच में मान लें तो हमारा क्या होगा, 4 के जस्ट थोड़ा सा आगे वाला गैप होगा, तो ये 1 और 2 के बीच में आ जाएगा, तो हम कहेंगे 1:20। अगर हम ये माने कि 4 से जस्ट आपका आगे था, यहाँ पे मान लें, ठीक, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आपका जो वाटर बनता है ना, वो एग्जैक्ट पता नहीं चलता है आपका। जब ये 4 से जैसे यहाँ पे है, ये 4 से थोड़ा सा आगे होगा, तो जब हम इसका वाटर वाला निकालेंगे तो वो इस केस में यहाँ पे हो सकता है आपका 4 से आगे हो या पीछे हो, वो थोड़ा सा जो डिफरेंस है ना, ये पता नहीं चलता है कि आपका किधर है, ठीक। तो इसीलिए इस जब भी आपका वाटर इमेज बनता है वो परफेक्ट नहीं बनता है, मिरर की तरह, ठीक है। वाटर इमेज मिरर की तरह परफेक्ट नहीं बनता है, इसीलिए ध्यान रखो, जो भी आपके सामने ऑप्शन हो तो आपको मेनली मारना क्या है, 2:20, ठीक है। इस फॉर्मूले पे आता है जो, तो 2:20, क्योंकि एग्जैक्ट आपका क्या आएगा यहाँ पे, अगर मैं मानूँ यहाँ पे तो 2:20 ही आएगा, यहाँ से 4 के आगे जस्ट है ना सुई, उस पर यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 4 से जस्ट आगे है, तो 4 से यहाँ जस्ट आगे मैंने कर दिया, लेकिन जब गैप वाले से किया तो गैप वाला कहाँ चला गया, इधर चला गया। इसीलिए 2 टाइम डिस्टर आ गए हैं, 1:20 और 2:20, मगर हमें किसे करेक्ट करना है, ये दोनों सही है, ऐसा नहीं कि ये गलत है, ये दोनों सही है, क्योंकि कभी भी आपका वाटर इमेज करेक्ट नहीं बनता है, तो ये दोनों सही है। मेन डिपेंड करता है आपके ऑप्शन में क्या है, अगर ऑप्शन में दोनों के दोनों प्रेजेंट हैं तब आपको प्रेफरेंस किसको देना है ये याद रखो, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा है, जब पूछा है तो प्रेफरेंस भी ध्यान रखो, प्रेफरेंस आपको इसको देना है 2:20 वाले को, ठीक है, जो आपके इस फॉर्मूले से इस ट्रिक से आ रहा है। ये ध्यान रखना कि आपको जब भी ऑप्शन में ये दोनों ऑप्शन प्रेजेंट हो, 1:20 और 2:20, तो आपको किसको देना है प्रेफरेंस, 2:20 वाले को देना है। अगर नहीं प्रेजेंट है 2:20 तो आप क्या करोगे, 1:20 मानोगे, ठीक। जैसे इसी का आपने निकाला कि क्या आ गया, 4:10 का वाटर में जाया, 14:20 मतलब 2:20। अब 2:20 आपके ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, आपके ऑप्शन में 1:20 है, तो ये ध्यान रखना कि जस्ट अगर 2:20 आपका आया है इस ट्रिक से, तो आप क्या करो, उससे 1 घंटा कम कर दो, 1 घंटा कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1:20 हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन में हो तो उसे आंसर माना जाएगा। तो जब भी आप इस मेथड से निकालोगे और वो टाइम अगर नहीं मिल रहा है आपके ऑप्शन में, ठीक,
कोई और टाइम दिया गया है तो समझो वो टाइम क्या है आपका, जो ये टाइम निकाले उससे 1 घंटा कम कर दिया गया है। जैसे एग्जाम्पल अब निकालो, जैसे मैं बता रहा हूं कि 5:20 का वाटर इमेज क्या होगा, ठीक है? तो 5:20 तो हमें पता है, 18:30 से क्या करना है, माइनस करना है 5:20 को, तो यहां आ जाएगा 10 मिनट, और यहां पे आ जाएगा आपका 8 में से 5 जाएगा तो 3 यहां 13, तो 13:10 को हम क्या लिख सकते हैं, 1:10, ठीक है? अब डिपेंड करता है आपके ऑप्शन में 1:10 दिया है तो सही है, ठीक है? नहीं दिया है 1:10 तो आप क्या करोगे, इससे 1 घंटा लेस कर दोगे, तो 1 घंटा लेस मतलब 12:10 अगर ऑप्शन में है तो उसे करेक्ट मानोगे। ये बात ध्यान रखना कि आपका ये इसलिए होता है कि आपका जो वाटर इमेज बनता है वो मिरर की तरह परफेक्ट नहीं बनता है, ठीक? बस ये ध्यान रखो, और कुछ सब कुछ भूल जाओ। अब सिर्फ इतना ध्यान रखो कि आपको जब भी वाटर निकालना हो तो 18:30 से माइनस कर देना, और जब आपको क्या निकालना हो, मिरर निकालना हो, तो 11 सेट से माइनस कर देना। अब क्वेश्चन लिखो और आंसर कमेंट करते जाओ। अगला पहला क्वेश्चन है कि 11:40 का वाटर इमेज क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन है 10:50 का वाटर इमेज क्या होगा, तीसरा है आपका 5:20 का वाटर इमेज कितना होगा, चौथा क्वेश्चन है आपके सामने कि 4:40 का वाटर इमेज क्या होगा, नेक्स्ट है आपका पांचवा क्वेश्चन कि 6:30 का वाटर इमेज क्या होगा, ठीक है? चलिए अब जिसका आंसर आ गया ठीक, अब नहीं आया उसे देख लेते हैं कैसे कैसे निकालना है इसे। 11:40 क्या निकालना है इसका, वाटर इमेज निकालना, क्या बताया मैंने, 18:60 से माइनस करना, और कुछ भी दिमाग में नहीं रखना है कि घड़ी बनाओ उसको आगे करो पीछे करो, ये कुछ नहीं। 11 कौन सा है आपका फॉर्मूला, 18 क्या है यहाँ पे, 30, उससे माइनस कर देना है जो भी टाइम दिया हो, तो 30 से क्या 40 माइनस होगा क्या, नहीं होगा ना, तो क्या करोगे, यहां से कहोगे भैया हमें तुम उधार दे दो, तो ये उधार देगा तो यहाँ 17 घंटा हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 1 घंटा जाएगा, तो ये मिनट कितना हो जाएगा, 60, 30, 90 मिनट हो जाएगा। तो 17:90 से अब 11:40 को माइनस कर दो, तो 11:40 को 17:90 से माइनस करोगे तो यहाँ आ जाएगा 50, और ये क्या हो जाएगा, 7 में से 1 जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 6, तो इसे कह सकते हो 6:50 इसका क्या हो जाएगा आंसर। अगर आपके ऑप्शन में 6:50 नहीं दिया है तो 1 घंटा इससे कम कर लो, तो 5:50 अगर दिया है तो ये होगा आपका आंसर, मतलब दोनों में से आपका कोई आंसर हो सकता है, इट्स डिपेंड अपॉन ऑप्शन, ठीक है? चलो अगला है 10:50, 10:50 को किससे माइनस करना है भैया, 18:30, तो 18:30 से तो 50 माइनस होगा नहीं है, तो बस 18:30 से वाला से नहीं होगा तो 17:90 से करते हैं ना, क्योंकि जब भी मिनट आपके 30 से ज्यादा होगा तो जान लो किससे माइनस करना है, 17:90 से, और जब भी आपके मिनट क्या होंगे 30 से कम होगा तो 18:30 से माइनस करना है। तो अभी क्या है आपके पास, 10:50 है, मिनट 30 से ज्यादा है तो हम 17:90 से माइनस करेंगे, यहाँ होगा 10, यहाँ होगा 50, ये आ जाएगा 40, और ये यहाँ पे आपका क्या आएगा, 7, तो ये आएगा 7:40, अगर ये ऑप्शन में नहीं प्रेजेंट है तो इससे 1 घंटा कम मतलब 6:40, ठीक? अगर दोनों ऑप्शन में आपके प्रेजेंट है तो प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, 7:40 को दिया जाएगा, याद रखना ये बात कान खोर के, ठीक है? 5:20 पे आ जाओ, 5:20 क्या है, 20, तो इसका मतलब 30 से कम है तो 18:30 से माइनस कर देंगे किसको, 5:20 को, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 में से 5 जाएगा 13, तो 13:10 मतलब 1:10 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक? 4:40, 4:40 मतलब फिर से किससे घटाएं, 17:90 से घटाएं क्योंकि 30 से ज्यादा है मिनट, तो 4:40 को यहां से माइनस कर दें तो यहाँ क्या आपका आएगा, 50, और 7 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, ठीक है 3 बचेगा, तो 13:50 यहाँ आएगा, 9 में से 40 जाएगा 50, 7 में से 4 जाएगा 3, तो 13 आपका कितना आएगा, 13:50, 13:50 मतलब 1:50, ठीक है? 13:50 मतलब 1:50 अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो क्या करोगे, 1 घंटा कम कर दो मतलब 12:50, ठीक है 12:50। ये आपके डिपेंड करता है ऑप्शन आपके पास क्या दिया हुआ। 6:30, 6:30 को क्या करोगे, ये 18:30 से माइनस कर देंगे,
क्योंकि 30 से जब ज्यादा जाएगा ना तब हम 17-90 से माइनस करेंगे। ठीक, 30 से कम और 30 रहेगा तो हम 18-30 से करेंगे, यहाँ आ जाएगा 0-0 और यहाँ आ जाएगा 12, मतलब जब आप 6 साढ़े 6 होगा तो आपका मिरर इमेज में क्या होगा, आपका जो मेनली वाटर वाला जो होगा उसका इमेज क्या होगा, उसमें आपका 12 बजेगा, 12 o'clock होगा। ठीक, क्या होगा, 12 o'clock होगा। ठीक, तो इसीलिए इसे फाइनल माना जाता है, क्योंकि जब देखो इस वाले फॉर्मूले से, क्योंकि जब आप घड़ी बनाओगे और इसका कितना दिया था, 6:30 दिया है ना, तो 6:30 का मतलब कि यहाँ पे आपकी घड़ी मिनट वाली और दोनों क्या होंगी, ऐसे होंगी 6:30 पर, ये 12 है, 3 है, ये 6 है, ये 9 है। जब इसका वाटर हम बनाएंगे तो 6 तो ऊपर आ जाता है, ठीक है, यहाँ 12 चला जाता है, 6 तो ऊपर चला जाता है ना, तो बस दोनों तो सुइयां जो क्या है डाउन है वो कहाँ होंगी, अप होंगी, जो डाउन है वो अप हो जाएंगी, तो दोनों 12 पे होंगी। मतलब इस घड़ी को एक मेन घड़ी की तरह देखें तो यहाँ 12 होता है, तो दोनों 12 पे होंगे, इसका मतलब क्या होगा, 12 बजेगा। इसीलिए जब भी ऐसा हो कि आपके ऑप्शन में 6:50 इस टाइप का हो कि मतलब 13, यहाँ पे आपका क्या आया था, 1:50 आया था और 12:50 दिया है, तो 1:50 और 12:50 दोनों दिया है ऑप्शन में, तो किसको प्रेफरेंस दोगे, 1:50 वाले को दोगे, क्योंकि वो यहाँ से आया है, इस मेथड से आया है। उसी तरह जो इस मेथड से आंसर आता है उसी को हम प्रेफरेंस देते हैं ऑप्शन में। ठीक, वैसे आंसर जब भी ऐसे आपके मिनट वाले में आए तो आंसर दोनों आपके सही होते हैं, डिपेंड करता है आपके ऑप्शन में, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, और आप लोग भी ये नोटिस कर लेना जब भी आपका एग्जाम आया, ऐसा नहीं कि छोड़ के चले आना कि आ ही नहीं रहा था, ये तो जो बताया गया है, कि क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, यही बता देते हैं 18:30 से माइनस कर दो, जो आपका आंसर आए वही आपका होगा, आंसर होगा जरूर, अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तब तो होगा, ऑप्शन में नहीं दिया तब क्या करोगे, उससे 1 घंटा माइनस करोगे। ठीक, तो ये आपका हो गया आज के सेशन में, मैंने बता दिया आपको कि वाटर और मिरर घड़ी का कैसे निकालेंगे, जो टाइम दिया रहेगा उसका वाटर इमेज और मिरर इमेज। यहां से आपका क्वेश्चन जो है हो सकता है आपके यूपीएसआई या एएसआई में, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो एक क्वेश्चन आपके चांसेस बनता है किसी से पूछ दे, किसी एक से पूछ दे, दोनों से नहीं, किसी एक से पूछ दे। तो ये ध्यान रखना कि इसके लिए एक रामबाण एक ट्रिक है, 11:60 से माइनस करना है, और इसके लिए एक ट्रिक है आपका 18:30 से माइनस करना है, बाकी आपको कुछ नहीं याद रखना है। मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया कि कॉन्सेप्ट पे क्या होता है आपका, कि अगर आपको वाटर वाला निकालना है तो जो घड़ी 3 और 9 के रेफरेंस में देखते हैं कि जो सुई आपकी 3 से जितना भी गैप आगे होगी उतना ही गैप मिरर जैसे ही उसका वाटर बनेगा पीछे हो जाएगी। ठीक है, और आपका जो मैंने मिरर वाला बताया था, तो मिरर वाले केस में क्या है आपका, मिरर वाले केस में क्या है कि आपका पूरा का पूरा वाई एक्सिस के अक्रॉस क्या हो जाता है, पलट जाता है। ठीक है, वाई एक्सिस के अक्रॉस आपका पलट जाता है, जैसे यहाँ पे जो फिगर बना है आपका ऐसे पलट जाएगा, मतलब लेफ्ट का राइट हो जाएगा, यहाँ आपका जो 11 है वो इस साइड में चला जाएगा मेनली 11। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे नंबरिंग कर दिया कि एक जनरल क्लॉक है इसके वजह से। ठीक, तो ये आज का सेशन जो है आपका मिरर और वाटर इमेज कैसे निकाला जाता है उससे रिलेटेड रहा। अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आता है तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग उसमें फंसोगे, क्योंकि आपके पास क्या है, ट्रिक है कि एक को 11:60 से माइनस करना है और एक को 18:30 से माइनस करना है। अगर मिनट आपका 30 से ज़्यादा हो तो किससे माइनस करना होगा, 17:90 से माइनस करना होगा, बस ये ध्यान रखो, यहाँ से सभी क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अगले सेशन में हम बात करेंगे एंगल डिटर्मिनेशन का, ठीक है, जहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, कि दोनों सुइयों के बीच में कोण निकालो। ठीक, तो आपको ये सेशन कैसा लगा सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, नेक्स्ट टॉपिक को लेकर एंगल डिटरमिनेशन के बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।